नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस एंड थ्योरी। आज हम आपको बताएंगे तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तुल्यांकी भार से संबंधित जिन जिन प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं उनके बारे में आज हम बताएंगे। देखिए, तुल्यांकी भार का पहले सूत्र देख लें, यानी तुल्यांकी भार किसी तत्व में उपस्थित उनके अणुभार की संयोजकता के बराबर होता है। तो सूत्र होता है तुल्यांकी भार भार बराबर पदार्थ का अणुभार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ का अणुभार बटे संयोजकता। जैसे मान लिया जाए कि हमें, नंबर एक देख लिया जाए, सोडियम का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। सोडियम का तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है। देख लें, यानी तुल्यांकी भार बराबर पदार्थ का भार। अब सोडियम का जो अणुभार होता होता है 23 बटे इसका तुल्यांकी भार, और यानी संयोजकता। अब संयोजकता मतलब होता है किसी तत्व द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अब देखिए, मान लिया सोडियम की हमें संयोजकता एक कैसे हो गई, देख लीजिए। सोडियम का होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास 11, 11 परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यानी इसके वाहकता कोष में एक, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की ये क्षमता रखता है। इसीलिए Na का तुल्यांकी भार बराबर 23/1, 23 एकम 23, यानी Na का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, Na का तुल्यांकी भार बराबर 23। इसी प्रकार देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कैल्शियम का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। कैल्शियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है हमें। देखिए, सीए का तुल्यांकी भार बराबर पदार्थ का भार, पदार्थ का अणुभार बटे संयोजकता। जैसा कि हम जानते हैं सीए का अणुभार कितना होगा कैल्शियम का, कैल्शियम का अणुभार होता है 40, 40/2, 2 एकम 2, 20 दूना 40। अब लिख सकते हैं सीए का तुल्यांकी भार बराबर 40। अब देखिए संयोजकता इसमें भी निकाल सकते हैं कि यहाँ हमने 2 क्यों रखा, ये जो सीए बराबर 40/2 है, 2 यानी कैल्शियम की संयोजकता होती है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यानी इसके वाहकता कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता नहीं है सीए जो होता है, ये Ca2+ होता है। तो इसके पास यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है, तो इसलिए इसके वाहकता कोष में 2 हैं। और यहाँ सीए बराबर 40/2, यानी यहाँ पे संयोजकता के स्थान पर यहाँ 2 रखा गया है। एक और देख लीजिए, Mg का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। हल में देख लीजिए, पहले सबसे पहले हम Mg मतलब मैग्नीशियम 12 होता है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख ले कि इसके वाहकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है या कितनी संयोजकता इसकी होती है। 1s2,
टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू। इसके बाद हमको उसमें ये दो इलेक्ट्रॉन है, यानी दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की ये क्षमता रखता है। तो देख लें, एम जी का तुल्यांकी भार, बराबर पदार्थ का अणुभार बटे संयोजकता। तो पदार्थ का अणुभार हमारा है 24, एम जी का अणुभार होता है 24 बटे इसकी संयोजकता कितनी है दो, तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दो एक कम दो, 12 दुना 24। एम जी का तुल्यांकी भार बराबर 24 नहीं 12, एम जी का जो तुल्यांकी भार है वो 12 होगा। एम जी का तुल्यांकी भार बराबर 12। हमारी आज आपको हमने बताया तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार में जो भी चीज़ें आपको कमी हुई हैं या जो चीज़ें नहीं समझ में आई, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।